फिल्म्स में गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। लोकप्रिय टीवी शो भाभी जी घर पर है के टिल्लू उर्फ सलीम जैदी एक ऐसे किरदार है सीरियल के कि कोई भी चाहकर भी भुला नहीं पाएगा। सलीम जैदी को टीवी के लोकप्रिय शो भाभी जी घर पर है में टिल्लू की भूमिका के लिए घर घर पर जाना जाता है। उन्होंने अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग से लोगों के दिलों पर खास जगह बनाई है। तो आज वो हमारे साथ हैं, जिनसे जानेंगे बहुत सारी बातें, साथ ही काम के साथ सेट पर कैसे होती है मस्ती और कौन सबसे ज्यादा प्रैंक करता है, ये सब चीजें जानेंगे। सलीम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रेष्ठ भारत पे। थैंक यू, शुक्रिया। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी, आप आरजे भी रहे हैं, जैसे मैंने आपका इंट्रोडक्शन किया है, अगर एज ए आरजे अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये जानना चाहूंगी मैं। वाह, बहुत टाइम होंगे लेकिन कोशिश करता हूँ कि हाय दोस्तों, मैं हूँ सलीम जैदी और टिल्लू फ्रॉम बाबू जी घर पर है। आज एफएम गोल्ड पर मेरे साथ हैं गार्गी, जो बहुत ही टैलेंटेड हैं और श्रेष्ठ न्यूज पर सबके गुर्दे छीलती हैं, आइए उनसे रूबरू होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने आरजे से शुरुआत की, आपने इसके बाद थिएटर भी किया है, बहुत सारी चीजें की हैं आपने, तो आपका सफर शुरू हुआ कैसे, आपको पहले से एक्टर बनना था? नहीं, मेरे जहनो गुमान में भी नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। एक्चुअली मैं एक यूपी के रामपुर शहर से ताल्लुक़ रखता हूं, जहां पर मैं क्रिकेट बहुत खेला करता था और मैं दो बार नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी खेला। थोड़ी सी बदकिस्मत ये रही कि पहली बार जब मैं प्री क्वार्टर में रन किए, क्वार्टर में, सेमीफाइनल में जब सेलेक्टर के सामने मौका मिला तो मैं जीरो पे आउट हो गया। फिर पूरे साल मेहनत की, दोबारा वहां तक पहुंचे, फिर जीरो पे आउट हो गया। तो फिर बड़े भाई दिल्ली में थे, उन्होंने कहा कि बेटा क्रिकेट में बहुत हो गया, अब तुम दिल्ली आ जाओ। तो उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया, मास्कॉम कराया और मास्कॉम करते करते मुझे रेडियो में जाने का मौका मिला। वहां पर मैंने एफएम गोल्ड के लिए ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हुआ। इसी बीच में वहां पर पैक्स थे हमारे दानिश इकबाल सर, जो ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे, तो उन्होंने कहा थिएटर करोगे? मैंने कहा जी सर करूँगा। तो उस टाइम दारा शिको, जो लीजेंडरी डायरेक्टर एम एस सत्यू सर तैयार कर रहे थे, तो उसमें मुझे मौका मिला, मैंने वहाँ जहांगीर का किरदार किया। तो मुझे आज भी याद है, हैबिटेट सेंटर में जब मैं शो कर रहा था और जहांगीर का किरदार कर रहा था, जब तालियां मिली, वो तालियां मेरे दिल में ऐसी जगह कर गईं कि हमने सोचा अब तो हम एक्टर ही बनेंगे। तो तब का दिन है और आज का दिन है, बस एक्टिंग कर रहे हैं जी। कई जगह मैंने सुना भी है कि आपको घर से बहुत सपोर्ट मिला है, जैसे आपने अपने पापा को बोला तो उन्होंने एक बार भी आपको रोका नहीं, उन्होंने बोला कि जाओ अपनी जिंदगी जी लो, ऐसे कुछ हुआ था आपके साथ? नहीं पकड़े हैं आप। एक्चुअली मुझे अच्छी तरह से याद है कि दिल्ली में, मतलब एक तरफ डबिंग भी कर रहे थे, आरजे भी थे, थिएटर भी था, खूब अच्छी अर्निंग हो रही थी। तो इसी बीच में मुझे मेरे मन ने कहा कि मुझे मुंबई जाना चाहिए, तो मैंने पापा को फ़ोन किया, मैं कुर्बान जाऊं पापा के अल्फाज पर, मैंने कहा पापा मैं मुंबई जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूं। तो उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि नसरुम मिनल्लाह फतहुम करीब, कि अल्लाह तुम्हारी नुसरत करे, मदद करे, बेटा तुम कामयाब होगे, बस शिद्दत से मेहनत करना और ऊपर वाले पे भरोसा रखना, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। ये अल्फाज थे जो मेरे अंदर एक ऐसी, मतलब जिज्ञासा पैदा हुई कि मुझे कुछ करना है। वो एनर्जी आप लेके आए मुंबई में, आपने स्ट्रगल किया, आपने एफएम से शुरुआत की, आपने फिल्म भी किया भाग मिल्खा भाग, इसके बाद आपको भाभी जी घर पर है कैसे मिला? हाँ, ये अच्छा सवाल है कि 2013 में फिल्म आई भाग मिल्खा भाग, वो फिल्म भी मुझे थिएटर के जरिए ही मिली, क्योंकि मैं साहिल लुधियानवी में हरकिशन का किरदार कर रहा था। तब वहाँ पर भाग मिल्खा भाग के जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उस टाइम दिलीप शंकर सर, उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी थी कि उर्दू तलफ़ुज बहुत अच्छा है, उसमें सलीम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का किरदार में उन्होंने मुझे फाइनल किया था। तो कुल मिलाकर मैंने सोचा कि जब ये फिल्म रिलीज़ हो तो मैं मुंबई में हूँ। तो 2013 में जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो मैं मुंबई आ गया था और बड़े पर्दे पर फिल्म लगी थी, और उसी बीच मैंने ऑडिशन देना शुरू किया। इसी बीच में मुझे KBC प्रोमो अमिताभ बच्चन जी के साथ ऐड मिला, फिर रणबीर कपूर के साथ मिला, आमिर खान, और सोलो भी काफ़ी ऐड किए। तो 2014 में ये भाभी जी घर पर है कि कास्टिंग हो रही थी, तो इसी बीच मैं FIR के कुछ एपिसोड कर चुका था, वहाँ पर शशांक बाली सर थे और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं उनसे मिला और उन्होंने मेरी अदाकारी FIR के ज़रिए देखी थी, और फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने ये फिल्म की है, वो फिल्म की है,
और शुरू में आपको बताना चाहूंगा कि भाभी जी घर पर हैं कि जो डायरेक्टर थे वो राजन वाघरे सर थे, जिनके साथ मैंने कैन्यू जिनी और जुजू किया था। तो कुल मिलाकर दोनों जो डायरेक्टर थे दिग्गज थे और उन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचान रखा था, तो टिल्लू के किरदार के लिए उन्होंने मुझे फाइनल किया। जैसे कि मैं आप बता भी रहे हैं कि आपने शुरुआत से जो है कॉमेडी टाइप सीरियल्स ही किए हैं आपने, तो आपका जो है पसंदीदा जो सबसे ज़्यादा रोल कौन सा रहा है अभी वाला टिल्लू? क्योंकि मेरे ख्याल से सलीम जैदी नाम से कम ही लोग आपको बुलाते होंगे, टिल्लू नाम से ही बुलाते होंगे क्योंकि उसी नाम से आप घर घर पे फेमस हो चुके हैं। इस बात को अगर मैं टिल्लू के अंदाज में बोलूँ तो पब्लिक को मजा आएगा कि जी। कसम खा के कह रही हूँ, जिस तरह से एक बच्ची होती है ना नाबालिग, कम उम्र में उसका विवाह हो जाता है। टिल्लू बहुत टैलेंटेड था, लेकिन जैसे ही मुंबई आया उसे भाभी जी घर पर ही मिल गया और 9 साल से वो भाभी जी घर पर कर रहा है। इसलिए जब बाल विवाह हो जाता है ना तो बात का पता नहीं चलता है। मेरे अंदर बहुत कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है, मैं सबके गुर्दे छीलना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, 9 साल से मैं भाभी जी घर पर ही कर रहा हूँ। लेकिन टिल्लू का आपसे वादा है, आने वाले टाइम में टिल्लू रायता फैला देगा और भी बहुत किरदार अंदर भरे पड़े हुए, मौका आने दो, चौका लगाऊंगी। जी बिल्कुल, ये हम तो चाहते ही हैं कि आप टिल्लू ये जानना चाहूंगे कि टिल्लू सेट पर, भाभी जी के सेट पर कितने मस्ती करते हैं, क्या वो प्रैंक करते हैं बाकी जो को स्टार्स होते हैं उनके साथ, ऐसा कुछ किया है आपने? लाख लाख शुक्र है कि भाभी जी की टीम जो है बहुत ही बैलेंस टीम है, और खुश नसीबी है कि आसिफ शेख जो लेजेंडरी एक्टर रहे हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला। आसिफ भाई मतलब हम सबको छोटा भाई समझते हैं, और अच्छी तरह से याद है कि लॉकडाउन में आसिफ भाई ने सबको फ़ोन कर करके पूछा था कोई परेशानी तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। हमारी प्रोड्यूसर बिनाइफर गुली मैम, उन्होंने भी सबसे पूछा, अंगूरी जी थी, तिवारी जी थे, और हम सब में बहुत अच्छी आपस में बॉन्डिंग है। चाहे वो हमारे वैभव भाई हों जो टीका का किरदार करते हैं, वो उम्र में मुझसे बड़े हैं, माना कि हम दोनों टीका टिल्लू का बनकर रायता फैलाते हैं, लेकिन मेरे जहन में हमेशा रहता है कि जितने भी एक्टर हैं, चाहे वो सक्सेना हो जो सानंद वर्मा है, चाहे वो हप्पू सिंह हो जो योगेश त्रिपाठी, ये सब मेरे बहुत सीनियर हैं, क्योंकि मैं तो मुंबई आते आपको जैसे मैंने बताया बाल विवाह हो गया था भाभी जी के साथ, लेकिन ये सब बहुत सीनियर थे, इन्होंने बहुत काम किया था, बहुत जूते घिसे हैं। आज भी अगर सेट पर मैं कोई बड़ी बात कर देता हूँ तो कहते हैं तू 2013 में आया था ना, चुप बैठ, हम तो पता नहीं सन 2000 से और सन 95 से यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं और अब आकर स्टार बने। तो खुश नसीबी है कि जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं आपस में बहुत अच्छा तालमेल है, बहुत मस्ती मटर गस्ती होती है। आसिफ भाई कभी कभी सेट पर खाना वाना भी बनाते हैं, हम सब वैभव भाई खाना बनाते हैं, और रही बात प्रैंक की तो खूब चलता है, खूब मस्ती चलती है। जो हमारे संस्कारी मास्टर हैं उनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ छेड़खानी चलती रहती है, डॉक्टर साहब के साथ चलती रहती है, एक दूसरे को प्रेम चोपड़ा जी को हम कैसे भूल सकते हैं, विश्वजीत सोनी जो मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन है लेकिन एक्टिंग भी लाजवाब करते हो, वो भी सेट पर आके कभी प्रेम चोपड़ा, कभी आपके जितेंद्र, कभी धर्मेंद्र, कभी शत्रुघ्न सिन्हा बनते हैं। तो कुल मिलाकर सीन के बीच में जब मौका मिलता है तो खूब मस्ती होती है। जी अच्छा, टीका और टिल्लू सेट पर किस किस को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं? मुझे लगता है कि कोई बचता नहीं जिसको परेशान ना करते हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो हम टांग खींचते हैं वो संस्कारी मास्टर है, उनके साथ करते हैं, वो हमेशा हम उनके साथ कुछ छेड़गाड़ी करते हैं, वो कहते हैं तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज़ है कि नहीं, हम कहते हैं कि संस्कार के गुइया के खेत में आप इधर को आ जाओ, आप NSDM किस तरह से बन गए, वो NSD पास आउट है, और हम कहते हैं हमेशा कहते हैं कि जब भी उनका तलफ़ुज़ इधर उधर होता है कि आप NSD से कैसे क्वालिफाई हो गए, और क्योंकि वैभव जो माथुर है उन्होंने भी कई बार ट्राई किया था NSD से तो उनका हुआ नहीं था, तो इस पर लेकर कुछ ना कुछ चलती रहती है खट्टी मीठी बातें। और फिर दूसरी तरफ हप्पू सिंह आते हैं, योगेश त्रिपाठी, क्योंकि योगेश और वैभव जो थे वो पुराने स्ट्रगलर हैं, साथ में ऑडिशन दिए थे, मुझे तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं ऑडिशन करते करते हुए, क्योंकि बाल विवाह हो गया था मेरा भाभी जी के साथ, तो कुल मिलाकर खूब रायता फैलता है। डॉक्टर डॉक्टर साहब के साथ बहुत मस्ती चलती है, और अभी हमारा कहीं जैसे अभी हम लास्ट टाइम हम एक सूरत गए थे शूट करने, तो होटल में उनके साथ प्रैंक किया था कि आइसक्रीम फ्री में मिली थी और हमने कह दिया था भाई उसकी पेमेंट करनी है, और वहाँ के मैनेजर को सेट कर लिया था तो बार बार रूम पे आ रहा था, आपने अभी तक आइसक्रीम की पेमेंट नहीं की, तो आखिरकार उनसे पेमेंट दिलवानी पड़ी, और फिर बाद में कहा कि भाई साहब ये फ्री आइसक्रीम थी।
अच्छा, इस तरह की मस्ती तो चलती ही रहती है, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम आपसे पूछे, सलीम जैदी आपसे ये पूछे कि एक डायरेक्टर एक्टर से बहुत कुछ अच्छा निकला सकता है, ये आप मानते होंगे, तो ये जो कैरेक्टर आपने पकड़ा है, क्योंकि जिस तरह से आप जिस लहजे में अंदाज में बोलते हैं वो एकदम फेमस है, तो उसी अंदाज में आप बताइए कि एक डायरेक्टर एक्टर से बहुत अच्छा कैसे काम निकलवा सकता है, जैसे आपसे निकलवाया डायरेक्टर ने। इसमें कोई शक नहीं है, शशांक बाली सर जो डायरेक्टर हैं भाभी जी घर पर हैं, कि जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। जब ये टिल्लू का आगाज़ हुआ था तो मैं नॉर्मली डायलॉग बोल रहा था, तो शशांक सर ने कहा कि सलीम कुछ अलग अंदाज में आवाज़ करो, क्योंकि उनका कहना था कि नौकर तो बहुत बने हैं, गोविंदा भी हीरो नंबर वन में नौकर बने और भी कई किरदार बने हैं, बोले अगर तुम चाहते हो कि ये टिल्लू जो है लोगों के दिल में जगह बनाए और अमर हो जाए तो थोड़ी सी आवाज़ चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं सोचता था किस तरह से करूं, कई तरह की आवाज़ें निकाली, फिर आखिर में मैंने बदल बदल के एक दिन ऐसी बोला, कसम खा के कह रहा हूँ शशांक साहब कुछ बताओ वरना कसम खा के कह रहा हूँ टिल्लू अपने खुद गुर्दे छील लेगा। तो उन्हें ये आवाज़ बोले यार बस यही पकड़ो, तुम कुछ अलग तरीके की आवाज़ है और तुम्हारी आवाज़ जो है डायरेक्ट मतलब लोगों के कानों में जानी चाहिए। और शुरू में उन्होंने मतलब कहा था कि ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज से मत खेलना, आवाज़ से खेलना जितना तुम्हें खेलना है। तो वहाँ पर मैं बोलता था ऐसे कि कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और टिल्लू से दुश्मनी बहुत ही हानिकारक हो, कसम खा के कह रही हूँ गार्गी, कसम खा के कह रही हूँ अगर इस कंजूस सेठ ने 6 महीने की तनख्वाह ना दी तो इसके गुर्दे पकड़ के लटक जाऊंगा और श्रेष्ठ जो चैनल है ना उसके जरिए दुनिया को बता दूं कि मेरा कंजूस सेठ बहुत ही बदतमीज है, पता नहीं 1000 कंजूस मरे होंगे तब पैदा हुआ होगा। और अंदर की बात बता रही हूँ, एक टेम को रेगिस्तान से पानी निकालना आसान है गार्गी, लेकिन मेरे कंजूस सेठ के हनक से तनख्वाह निकालना बहुत मुश्किल है, मन कर रहा है कि मैं उसके गुर्दे पकड़ के लटक जाऊं। इसी अंदाज के तो हम सब दीवाने हैं, क्योंकि आप हंसने पे इतना मजबूर कर देते हैं कि पेट पकड़ पकड़ के हंसना छोड़ो, ऐसे पकड़ लेते हैं कि आप गाल भी थक गया है बस कीजिए आप। तो आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने भाग मिल्खा भाग फिल्म की और इतनी बड़ी फिल्म थी, इसके बाद आपने दोबारा सोचा नहीं कि फिल्म में मुझे फिर से ट्राई करना है, या आप भाभी जी घर पर है उससे समय नहीं निकाल पा रहे? देखिए भाग मिल्खा भाग के रहते हुए मैंने एक फिल्म की है ट्रिप टू भानगढ़, और अभी रिसेंटली मैंने एक फिल्म की है द यूपी फाइल्स, जिसमें मैंने शुक्ला का किरदार निभाया है। वो इलेक्शन के बाद रिलीज होगी क्योंकि वो राजनीति पर आधारित फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, मतलब इलेक्शन के बाद आप वो फिल्म देखेंगे। और मैंने फिल्में 5-6 तेरी फिल्म की है, ट्रिप टू भानगढ़, भाग मिल्खा भाग, चलो ड्राइवर, काफ़ी फिल्में की हैं। लेकिन इन फिल्मों में जो मैंने काम किया वो अपनी मर्जी के मुताबिक किया, जब मैंने कहा कि मैं 2-3 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा, 5-6 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर डेली सोप है, वहाँ रोज़ाना जाना होता है, इतनी छुट्टियाँ मिलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, वो वाली बात होती है। तो जो भी काम किया अपनी मर्जी के मुताबिक किया, लेकिन हाँ आपसे वादा है इंशाल्लाह जब भी वक्त मिलेगा, जब तक भाभी जी चल रहे हैं हम भाभी जी के साथ हैं, लेकिन उसके बाद बड़े पर्दे पर भी आप सलीम जैदी को गुर्दे छीलते हुए देखेंगी। जी बिल्कुल, उम्मीद तो यही है। अच्छा, आप जब मुंबई आए खाली हाथ आए थे, लेकिन अब आपके हाथ में बहुत कुछ है और आप लोगों को हंसा रहे हैं एकदम दिल खोल के, फैंस के बीच आपकी फैन फॉलोइंग गजब की है, तो टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में कब आया? टर्निंग पॉइंट तो मैं भाभी जी घर पर है शो को ही कहूंगा, क्योंकि उससे पहले काम चल रहा था, लेकिन ऊपर वाले ने जो इज्जत दी, शोहरत दी, दौलत दी, जो कुछ भी मिला है वो भाभी जी घर पर है शो से मिला है। और खुशनसीबी है कि वालिद साहब इस दुनिया से जब रुखसत हुए 2015 में, तो वो टिल्लू का किरदार देख के गए, वो अमिताभ जो पापा के मेरे फेवरेट थे अमिताभ बच्चन, उनके साथ ऐड में देख के गए, तो मेरी खुशनसीबी है कहीं ना कहीं वो देख कर चले गए, लेकिन काश आज होते तो अब जो मकबूलियत है, जो पॉपुलरिटी है, वो शुरुआती दौर में नहीं थी, काश वो होते और देखते कि उनका बेटा किस तरह लोगों के दिलों पर राज कर रहा है तो शायद मुझे अच्छा लगता। लेकिन ऊपर वाले को जो मंजूर होता है उसके आगे इंसान को सर झुकाना चाहिए, क्योंकि वा तो इज्जो मंतशा वा तो जिल्लो मंतशा और कुल्लो नफ्सिन जायकतुल मौत, हर इंसान को मौत का मजा चखना है, तो आज नहीं तो कल सबकी बारी है, बस सब्र कर लेता हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा, आपसे सलीम जी आपसे 2-4 डायलॉग हम सुनना चाहते हैं टिल्लू के स्टाइल में। डायलॉग तो सुन लेंगे, मैं चाह रहा हूँ आप कुछ सिचुएशन बताएं उस पर मैं बोलूँ तो मजा आएगा। जैसे कि आप अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो अगर मैं टिल्लू का इंटरव्यू ले रही होती तो कैसे बोलते आप? मैं गार की कसम खा के कह रही हूँ, बहुत तपा बैठा हूँ अपने कंजूस सेठ से, तुमने मुझे बुला लिया, मैं खोखा छोड़ के आया हूँ और उस
उस कंजूस सेट पे लानत है जो भुतनिया का 6 महीने की तनख्वाह ना दे रही है, 50,151 कार की, लेकिन कसम खा के कह रही हूँ शादी नहीं हुई है। मैंने सुना है बहुत खूबसूरत हो, अभी तक कुंवारी हो, मैंने शायद सेटिंग वेटिंग हो जाए इसलिए टिल्लू आ गया है, पसंद आ जाओ तो बाद में SMS कर दियो। ऐसी बोल लिया हूँ, दिल की अलवाज है, बुरा मत मानियो, बहुत अच्छी लग रही हो, अगर मारने वारने का इरादा हो तो राखी के दिन आ जाइयो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो एकदम मेरे को अपनी लाइन ही भुलवा दिया आपने कि मेरे को आपसे पूछना क्या है, आपने इतनी तारीफ कर दी मेरी। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपके जो दोस्त हैं इंडस्ट्री में, सबसे ज्यादा खास दोस्त आपके कौन रहे हैं या अभी कौन है जिसको आप बहुत मिस करते हो? हाँ बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन आज जब आपसे बात हुई कि श्रेष्ठ न्यूज पर मेरा मतलब इंटरव्यू गार्गी लेने वाली है, तो सुबह सुबह मैं गरारे कर रहा था, तो हमें बेगम साहिबा बोली कि आज इतने गरारे क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा गरारे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गार्गी के साथ इंटरव्यू है मेरा, तो मैं गरारे करके बैठा हूँ। मैंने कहा भैया वो एंकर है तो मैं भी एक्टर हूँ, तो मतलब मजा आना चाहिए। और रही बात दोस्ती की बात, तो मैं बताना चाहूंगा कि वो इंसान बहुत खुशकिस्मत होता है जिसके दोस्त होते हैं, और बदकिस्मत इंसान वो है कि जिसके पास अच्छे दोस्त होते हैं लेकिन वो लालच से या मतलब से वो अच्छी दोस्ती खो देता है। तो खुशनसीबी है कि ताबिज जैदी, रुआब आजमी, अजय, संदेश, ये चारों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और चार स्टेट अलग अलग रहते हैं। और रही बात सेट की, तो मैंने आपको जैसा बताया कि सभी मेरे सीनियर हैं, उम्र में सब मुझसे बड़े हैं, सबसे मैं मस्ती मजाक भी करता हूँ लेकिन एक दायरे में रहकर करता हूँ कि किसी को हर्ट ना करूँ, क्योंकि एक उम्र का भी पड़ाव होता है जिसमें मैं ख्याल रखता हूँ कि किसी को मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए। सलीम जैदी, आपसे बात कर हमें बहुत ही अच्छा लगा, और सीरियसली बोलूँ तो ये इंटरव्यू खत्म करने का मन नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरव्यू थोड़ा और लंबा चले, लेकिन आपको ज़्यादा हम थकाएंगे नहीं क्योंकि आपको भाभी जी घर पर है जाना है, फिलहाल तो आप अपने घर पे होंगे, इसके बाद आपको वहाँ पे भी जाना और काम करना है और लोगों के साथ मजाक मस्ती करते हुए, छेड़खानी करते हुए अपना काम भी पूरा करना है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, कसम खा के कह रही हूँ गार्गी मेरी बात को जहन में रखियो, बाद में टिल्लू से मिल लियो, लाइफ सेट हो जाएगी, सेट, गॉड ब्लेस यू, बाय, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ भाभी जी घर पर है के टिल्लू उर्फ सलीम जैदी। तो आपको हमारी ये जो खास पेशकश थी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए, बाकी ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।